नमस्कार आप सभी को। मैं अक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु अक्ष, होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फीमेल के चार्ट से हस्बैंड के नेचर को कैसे पहचाने। यदि किसी नेटिव के ये दोनों प्लैनेट कंजक्शन में हैं या ट्राइन में बैठे हुए हैं तो उसका सेम रिजल्ट होगा। मार्स एंड सन जिस नेटिव की कुंडली में कंबाइन होगा या ट्राइन में होगा तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड पावरफुल होंगे। नेटिव के जो हस्बैंड होंगे वो रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड उनको फायदा जरूर होगा। उनको इंटेस्टाइन डिसऑर्डर हो सकता है। मार्स एंड मून जिस भी नेटिव की कुंडली में इकट्ठा होगा, फीमेल नेटिव की कुंडली में इकट्ठा होगा तो उनके पति कैसे होंगे। मार्स एंड मून जिस भी फीमेल की कुंडली में इकट्ठा होगा तो ऐसी फीमेल के जो पति होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान होंगे। नेटिव बहुत ज्यादा ट्रैवल करेगा, हस्बैंड बहुत ज्यादा ट्रैवल करेगा या हस्बैंड की जॉब ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगी। हस्बैंड के पास खेती की जमीन जरूर होगी या नेटिव किसान भी हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन में देखा गया है कि कई बार इनके पति के सेक्सुअल अफेयर हो जाते हैं अदर वुमेन के साथ। मार्स एंड मर्करी जिस भी फीमेल की कुंडली में इकट्ठे होंगे तो ऐसे कंडीशन में नेटिव का जो हस्बैंड होगा वो वर्कोलिक होगा और नेटिव एंजॉय ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर वुमेन। मार्स एंड जुपिटर जिस फीमेल की कुंडली में मार्स एंड जुपिटर कंजक्शन में होंगे या ट्राइन में होंगे तो ऐसी फीमेल के जो हस्बैंड होंगे वो कैसे होंगे। रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे, हस्बैंड एजुकेटेड होगा, इनके पति इमोशनल हो सकते हैं, इनके पति बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। इनके पति के घर के आसपास माता का मंदिर होगा, माता का कोई ना कोई घर में बहुत बड़ा पुजारी होगा या बहुत बड़ा भक्त होगा। मार्स एंड वीनस, मार्स एंड वीनस का कॉम्बिनेशन जिस फीमेल की कुंडली में बनेगा तो ऐसी कंडीशन में लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। शादी के बाद हस्बैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। जो हस्बैंड होगा ऐसी फीमेल का वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा और आध्यात्मिक भी होगा। मार्स एंड सैटर्न, मार्स एंड सैटर्न जिस फीमेल की कुंडली में इकट्ठे होंगे तो ऐसी कंडीशन में इनके हस्बैंड की एजुकेशन एवरेज रह सकती है, थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन शादी के बाद जो हस्बैंड होगा उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी इस फीमेल के द्वारा। पति का भाई जरूर होगा, बड़ा भाई या छोटा भाई जरूर होगा। मार्स एंड राहु या ड्रैगन टेल, तो ऐसी कंडीशन में पति बहुत गुस्सेल होगा, पति को बात बात पे गुस्सा आता होगा। फीमेल का हस्बैंड होगा वो मैटरलिस्टिक नेचर का होगा, उसको बार बार ट्रैवल करना पड़ता होगा या ऐसी जॉब में होगा जिसमें बार बार ट्रैवल करना पड़े। घर के पास कोई भैरव बाबा का मंदिर होगा या घर में कोई भैरव बाबा का भक्त होगा। घर में अक्सर बिल्लियां आ जाती हैं। मार्स एंड केतु, मार्स एंड केतु जिस फीमेल की कुंडली में कंजक्शन में होगा तो ऐसी कंडीशन में इसको कुजा दोष बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इनके हस्बैंड होंगे या तो उनके माथे पे कट का निशान होगा या सर पे कोई चोट लगी होगी। हस्बैंड ट्रैवल करेगा, बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा, शोर ट्रैवल करना पड़ेगा जॉब के लिए। हस्बैंड के घर के आसपास होगा हनुमान जी का मंदिर होगा और गणेश जी का मंदिर भी हो सकता है। हस्बैंड के घर के नीचे कोई बार्बर शॉप हो सकती है या कोई टेलर जरूर होगा। पति तीन की संख्या में रोटी खाएगा। पति जब मिलने आएगा रिश्ते के लिए तो दो रंगे कपड़े पहन सकता है। ये था महिला की कुंडली के द्वारा पति के स्वभाव की जांच कैसे की जाए इन भृगु नंदी नाड़ी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट भृगु नाड़ी सीखना चाहता है तो 9416734728 पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकता है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तविक शिक्षा।